इसी तरीके से एक हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल होता है जिसमें उस पर्सन को कुछ पता ही नहीं चलता है, मतलब कभी उसमें बहुत अपनापन है, कभी वो बड़ा अगेंस्ट हो जाता है, कभी वो बड़ा अच्छा बन जाता है, तो कभी वो बहुत बुरा बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपके साथ अगर जितने हम लोग केसेस करते हैं, अगर मैं उसके ऊपर ये बात करूँ, जब दो जीवन साथी हस्बैंड और वाइफ जब उनके अटैचमेंट स्टाइल अलग होते हैं, तो मैंने देखा है कि जब हम उन लोगों की काउंसलिंग करते हैं तो उनके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, एक लेडी, तो उनको कुछ इस तरीके की जानकारी मिली, उनको पता चला कि उनके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर है। अब वो उस चीज़ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गई, वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। उनको ऐसा लगने लगा कि इससे तो अच्छा है कि मैं मैं सुसाइड ही कर लूँ। अब उस समय क्या होगा, वो ऐसा क्यों कर रही हैं? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उनका बहुत एंशियस अटैचमेंट स्टाइल था, जिस वजह से उन्होंने बोला कि मैं तो मेडिटेशन भी करती थी, मैं तो बहुत कुछ करती थी, लेकिन मेरा अब किसी भी चीज़ में जो है मन नहीं लग रहा, मेरा तो मन कर रहा बस मैं इस जीवन का अंत कर दूँ। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगा। अब दोस्तों हमने जब थोड़ा उनके हस्बैंड को देखा तो वो बोला मुझे तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है, ये तो इसके मन की कहानी है। अब नेचुरली वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। लेकिन यहाँ मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, अटैचमेंट स्टाइल। तो रिसर्च भी ये कहती है कि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है और फीमेल के अंदर एंशियस अटैचमेंट स्टाइल होता है। अब जिसका नतीजा क्या हुआ कि आपकी जो समस्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है, वो अपनी एनर्जी उस पर लगा ही नहीं पा रहे। वो एनर्जी किस पर लगा रहे हैं? वो एनर्जी लगा रही है इस डर के ऊपर, मेरा तो घर ख़त्म हो गया, मेरे को तो अब इसने मुझे छोड़ देना है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं समाज का सामना कैसे करूँगी। और हस्बैंड क्या कह रहा है, वो उसको कह रहा है तुझे जो सोचना सोच। अब क्या इस तरीके से उस समस्या का समाधान होगा? दोस्तों सोचिए, नहीं होगा। तो उसका समाधान कैसे होगा वो तो एक अलग हमारी काउंसलिंग की बात है, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा अटैचमेंट स्टाइल हमारे रिश्तों में कितने उतार चढ़ाव लाता है। और मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात में बिलीव करती हूँ, हर समस्या का समाधान होता है, कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान नहीं होता। हम ये नहीं कहेंगे कि यदि आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उस रिश्ते में बंध के ही रहना है, घुटके ही रहना है, नहीं। लेकिन कम से कम आपको पहले बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले जब हम अपने पे काम करके देखेंगे, अरे मेरा तो ये अटैचमेंट स्टाइल है और मैंने इन बातों को अपने दिमाग में डाल दिया है, इतना ज़्यादा मैंने इन बातों को डाल दिया है कि मेन मुद्दा क्या है, उसके ऊपर हम कैसे बात करें, उस बात का हम कैसे सॉल्यूशन निकालें, किस तरीके से आगे करें, तो हम उस रास्ते पे जा ही नहीं पाएंगे। तो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे अटैचमेंट स्टाइल। अब दोस्तों हमारे मन में ये प्रश्न आएगा कि अच्छा, हमने ये तो समझ लिया अटैचमेंट होती क्या है, हमको ये भी पता चल गया कि अटैचमेंट तो जीवन में रहेगी रहेगी, लेकिन जैसे कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो तो ये हमारे रिश्तों में, हमारे जीवन की खुशियों में ये बहुत प्रॉब्लम लेकर आती है। हमको ये भी पता चल गया कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती हैं हमारी अटैचमेंट की।